होमो हैबिलिस प्रेजेंट डे ह्यूमंस के एंसेस्टर्स जो अफ्रीका में 2.5 से 1.5 मिलियन ईयर्स अगो रहते थे। इन्हें हैंडीमैन भी कहा जाता है क्योंकि ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे पहली बार इन्होंने ही एडवांस टूल्स बनाए थे। NCERT होमो हैबिलिस को फर्स्ट होमिनिड कहती है क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले अपराइट पोस्चर में चलना स्टार्ट किया। अफ्रीका के बड़े बड़े ग्रासलैंड्स में दौड़ने की वजह से होमो हैबिलिस की रनिंग एबिलिटी बहुत इम्प्रूव थी एंड इसकी वजह से भी इनके पोस्चर और एनाटॉमी में चेंजेस आई जिसने अपराइट पोस्चर को और भी प्रमोट करा। होमो हैबिलिस मीट नहीं खाते थे लेकिन फिर भी वो हंटिंग करते थे। या ग्रासलैंड्स में कोई पड़ा हुआ मरा हुआ जानवर उनका फेवरेट फूड हुआ करता था या मोस्टली वो किसी और के किए हुए शिकार का थोड़ा सा पार्ट अपने लिए ले जाते थे। तो ये सब हंटिंग या और किसी जानवर की डेड बॉडी कलेक्ट करना वो सब एक चीज के लिए करते थे जो था बोन मैरो, क्योंकि बोन मैरो में बहुत सारी कैलोरीज होती हैं। तो इसको खाने की वजह से होमो हैबिलिस की क्रेनियल कैपेसिटी में काफी इंक्रीज हुआ। NCERT में होमो हैबिलिस की क्रेनियल कैपेसिटी 650 से 800 क्यूबिक सेंटीमीटर दिखाई गई है, पर बोन मैरो को खाने के लिए होमो हैबिलिस को बोन्स को तोड़ना पड़ता था जो कि बहुत हार्ड होती थी। इसी वजह से उन्होंने स्टोन टूल्स बनाना स्टार्ट किया और ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे पहले होमिनिड बने जिन्होंने एडवांस्ड टूल्स को यूज करना स्टार्ट किया।